हम आए हैं कॉर्बेट पनोरमा रिजोर्ट और ये हमारे ये यहाँ का रिसेप्शन है। हमारे साथ में है ये रिसेप्शनिस्ट आरती। मैम आप यहाँ का हमें बता सकते हो क्या टैरिफ रहता है, क्या चार्जेस हैं आपके, स्कीम्स क्या होती है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर उसमें इंक्लूड होता है, कितने तो मतलब पर हेड अमूमन कितने तक का नॉर्मली हो जाएगा? बेसिकली हमारे पास रूम की जो कैटेगरी है वो तीन कैटेगरी है। एक हमारा बेसिक रूम जाता है जो रूम विद बाथटब है। सेकंड जो रूम जाता है हमारा वो लगून है जिसमें प्राइवेट पूल रहता है। लगून प्राइवेट पूल होता है, प्राइवेट पूल है। एंड थर्ड जो लास्ट रूम है हमारा वो वर्लपूल रूम है जिसमें ओपन टू स्काई पे जकूजी। जकूजी राइट। बेसिक रूम का जो हमारा टेरेस जाता है वो डबल शेडिंग बेसिस पे 7000 पर जाता है। उस पर तीनों टाइम के मील रहते हैं आपके, आपका लंच रहेगा उसमें, इवनिंग की टी रहती है, डिनर रहता है एंड मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट। सेम उसी पर जो लगून है, लगून का जो टैरिफ है डबल शेडिंग बेसिस पे 8800 का है विद ऑल मील, विद ऑल मील। एंड जो थर्ड कैटेगरी हमारे पास है वो है वर्लपूल, वर्लपूल की जकूजी, ओपन टू स्काई पर उसका जकूजी रहता है एंड जकूजी हमारा 8000 का टैरिफ है विद ऑल मील। तीनों टाइप का। चलिए बाकी डिटेल जो कुछ इन्होंने बताया वो बाकी आप नेट से भी सर्च कर सकते हैं, इनकी डिटेल सभी अवेलेबल होंगे वहाँ पर। ये कौन से विलेज में पड़ता है? टेढ़ा। ये टेढ़ा विलेज है। अच्छा आप यहीं पर लोकल हो? यस मैं रामनगर से। रामनगर से तो ये रास्ता जो पड़ता है बीच से हम जब आते हैं तो जंगल का रास्ता पड़ता है, आप उसी रास्ते से आते हो क्या? बिल्कुल। डेली यहाँ से कितने बजे आपकी छुट्टी होती है? शिफ्ट रहती है 8 to 6। 8 to 6 मॉर्निंग 8 बजे में ओपन करती है यहाँ पे जी, 6 बजे इवनिंग पे क्लोज। तो ऐसा नहीं हुआ कभी आप इवनिंग में जैसे अकेले जाते हो आपको कोई जंगली जानवर मिला हो कुछ इस तरीके से? बेसिकली यहाँ पे जंगली जानवर अगर बोला जाए तो स्पॉटेड डियर तो नॉर्मली रहता है। आप मतलब आप वे पे है अपनी स्कूटी पे है तो रोड क्रॉस करते हुए भी आप नहीं जाते, कभी कभार उनके लिए गाड़ी रोकनी पड़ती है, वो क्रॉस करते हैं उसमें कभी डर भी रहता है कि आगे से डियर निकल रहा है अंदर पीछे से टाइगर है या फिर कुछ भी, क्योंकि है इस रोड के एक टाइगर्स है उसके दो बच्चे हैं तो है रहता है इस टाइम पे। हमने टाइगर देखा आपने कभी यहाँ पर आप जब घर जा रहे हो रास्ते में देखा हो? हाँ बिल्कुल देखा है। कितनी बार टाइगर देखा आपने? आप ये मान के चलिए कि कभी हमारे यहाँ पे लेट हो जाता है, 6 बजे नॉर्मल टाइमिंग रहती है, बट ठीक है जब क्राउड रहता है तो थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो मैं जा रही थी शाम को 7 बजे करीब का था तो उस टाइम तो देखा था, ये डिस्टेंस थोड़ा था, बेसिकली रहता है जो वाइल्ड लाइफ नेचर होता है वो एक प्रॉपर डिस्टेंस होता है तो ठीक था, नहीं था डर तो लगा सबको, डर लगा बिल्कुल वाइल्ड लाइफ है तो टाइगर था, लेकिन था आना जाना होता है और लोगों का भी तो ठीक है, काम रहना चाहिए थोड़ा सा। टाइगर बेसिकली नहीं करता है एकदम से अटैक, लेपर्ड का ये नेचर होता है कि वो एकदम से अटैक कर देता है तो ठीक है वो था। तो गए हम फिर उसने क्रॉस मारा तो निकाल दी थी गाड़ी, हम भी थे और भी थे और लोग भी जाते हैं शाम को, पूरा विलेज का एरिया है बेसिकली रहते हैं यहाँ पे। चलिए मतलब डर लगा था आपको, नेचुरल सी बात है डर लगना भी चाहिए। बहुत बढ़िया, ये थी आरती जी रिसेप्शनिस्ट पनोरमा रिजोर्ट में। तो बाकी आप इनकी डिटेल इनकी वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। We'll be right back.
गाइज अब हम आए हैं डिनर के लिए और हमारे साथ हैं जीवन सिंह बिस्ट, ये यहाँ पर शेफ हैं। ये आज आपको बताएंगे यहाँ का स्पेशल मेन्यू क्या है। डेली यही मेन्यू रहता है यहाँ पर। तो ये क्या है? हॉट एंड शोर सूप था ये। बूंदी रायता, ये बूंदी रायता, फ्राइड राइस, वेजिटेबल फ्राइड राइस बनाए हैं ये स्पेशल। वेज मंचूरियन होगा। जैसे तो शेफ स्टफ कैप्सिकम टमाटो, ये है स्टफ कैप्सिकम टमाटो, आप देख सकते हो। ये शेफ आप ही ने बनाया? मिक्स वेज। ये है पनीर बटर मसाला, देखिए बेहद खूबसूरत लग रहा है। अभी हम बाकी टेस्ट करेंगे, उसके बाद हम बता पाएंगे कि कैसा खाना है यहाँ का। जीरा राइस, ये जीरा राइस होगा। दिस इज दाल मखनी। ये देखिए फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ पाइन एप्पल हलवा, बट अभी मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, मैं टेस्ट करने के बाद बता पाऊंगा कि कैसा ये हलवा होता है। चिकन का सिर्फ एक आइटम है, दिस इज चिकन कोल्हापुरी। सो ये हमारे साथ में यहाँ के शेफ हैं, पनोरमा रिजोर्ट है ये, यहाँ का रेस्टोरेंट है, उसमें शेफ है। आज इन्होंने डिनर में ये सारी चीजें बनाई है। तो मैं इनसे यही पूछना चाहूंगा कि आप यूजुअली हमारे यहाँ पर डिनर में आपके यहाँ पर क्या क्या सर्व किया जाता है, डिनर लंच वगैरह में सेम मेन्यू होता है? लंच डिनर, हाँ जी, रोज चेंज होता रहता है सब। शेफ आप यहाँ कब से जॉब कर रहे हो वैसे? मेरे को 2.5 साल हो गए। 2.5 साल हो गए आपको? चलिए, ये सभी आपकी पूरी टीम ने बनाया? हाँ सर। तो हम आपसे ये प्रॉमिस ले सकते हैं कि खाना बहुत ही लाजवाब होगा और हम खा कर ये कहेंगे कि वाओ व्हाट इज द टेस्ट। हाँ, टेस्ट कर सकते हैं। चलिए सर, शेफ थैंक यू। हम आपको बताते हैं आपके खाना खाने के बाद कि कैसा बनेगा, बाकी रिव्यूज बाद में देंगे। थैंक यू।